नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पर सो मेडिकल फील्ड में टाइम टू टाइम नई नई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आती रहती हैं जो कि कहीं ना कहीं आगे जाके ह्यूमंस को ही हेल्प करती हैं इसी बीच में आपके सामने हम पेश करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर सामने आई थी ये खबर लगभग अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सामने आई थी पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट कुड हेल्प दोज हुआ वेटिंग फॉर लाइफ सेविंग ऑर्गन डोनेशन इतना ही नहीं आप यहां पर भी देख सकते हैं इंडिया टूडे की यह खबर है साइंटिस्ट अटैच पिग्स किडनी टू ह्यूमन बॉडी इन ब्रेक थ्रू ट्रांसप्लांट नाउ ये असल में कोई पहली बार नहीं हुआ कि ये वाली कोशिश करी गई हो लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इसकी जो कोशिश है वो सफल रही हो तो जी हां न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कई सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर के इस बड़े फीट को अचीव किया है जिसके चलते उन्होंने पिग से एक किडनी को निकाल करके ह्यूमन के अंदर उसको ट्रांसप्लांट किया और उस पर्टिकुलर ट्रांसप्लांट को उस ह्यूमन के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया गया हम यहां पे बात करने वाले हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है वो एक पुरानी कहानी भारत की है जहां पर एक सिमिलर प्रयास एक भारत के डॉक्टर के द्वारा किया गया था बट दैट एंडेड अप कि उनको वहां पर जेल हो गई थी उस पर्टिकुलर प्रयास के चलते बात करेंगे वो कहानी क्या थी बात करेंगे न्यूयॉर्क में ये जो आपकी ट्रांसप्लांटेशन हुई है इसमें क्या क्या चीजें थी जो कि न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स ने अप्लाई करी थी चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध फिफ्टीन ए राइट सो एज यू कैन सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अ मेडिकल टीम इन दू एस ए वॉज एबल टू सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट पिग्स किडनी टू अन पेशेंट ये आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई थी इन अ फर्स्ट सर्जन अटैच अ पिग किडनी टू अन एंड इट हेज ऑल्सो वर्कड द ब्रेक थ्रू प्रोसीजर वॉज बेसिकली परफॉर्म्ड कई सारे सर्जन इसमें इन्वॉल्व थे जो एन वाई यू का लैंगॉन हेल्थ के नाम से आपका अस्पताल है जहां पर जो ये वाली किडनी थी ये ध्यान से सुनिएगा यह एक ऐसे पिग के अंदर से निकाली गई थी जिसको कि जेनेटिकली ऑल्टर किया गया था यानी कि जो आपका डोनर था बेसिकली एक जेनेटिकली ऑल्टर डोनर था और ये वाली आपकी किडनी को डाला गया है रेसिपिएंट के अंदर जो पेशेंट जिसके अंदर इस किडनी को डाला गया था यह ब्रेन डेड हो चुका था एंड ही वॉज बी केप्ट ऑन वेंटिलेटर तो उस पेशेंट के अंदर इस किडनी को इंसर्ट किया गया था किडनी को बेसिकली अटैच किया गया था पेशेंट की जो अपर लेग के पास में आने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पर उसके अबडमन के बिल्कुल बाहर जहां पे नॉर्मली आपकी किडनी की जो लोकेशन होती है वहीं पर उसको अटैच किया गया और एनवाईटी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बेसिकली यहां पर बताया गया है कि डॉक्टर रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी जो कि डायरेक्टर है एलवाई एनवाई यू लैंग ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के इन्होंने कहा कि जैसे ही हमने उसको अटैच किया इट हैड स्टार्टेड फंक्शनिंग नॉर्मली और ये यूरिन का जो आपका प्रोडक्शन है इसको इमीजिएटली करने लग गई थी विच गोज ऑन टू शो कि जी हाँ आपका जो ट्रांसप्लांट था ये बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ था इस प्रोसेस को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली एक ऐसी चीज है दैट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर और ये कोई नया फिन नहीं है ये काफी बार पहले भी ट्राई किया जा चुका है पहले बात कर लेते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन की सबसे पहली कोशिश कब करी गई थी इसका जो अर्लीस्ट मेंशन है इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी कुछ माइथोलॉजिकल बुक्स हैं उसके अंदर भी कुछ ऐसी बुक्स जो कि माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं उसके अंदर भी इसका वर्णन कई बार किया गया है लेकिन जो इसका अर्लिएस्ट साइंटिफिक मेंशन है वो किया गया है 1905 में फ्रांस के अंदर जहां पे ऑफ रैबिट किडनी वर ट्रांसप्लांटेड इन अ चाइल्ड हु सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक किडनी इनसफिशियंसी तो ये वाली जो आपकी चीज है ये बेसिकली फ्रांस में उन्नीस में करी जा चुकी है जब रैबिट की किडनी की मदद से एक बच्चे की किडनी के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया था नाउ जीनो प्लांटेशन को लेकर कई सारी और चीजें भी सामने आई हैं 1906 की बात है दो और इंस्टेंसिसन फ्रॉमशन दो कई सारे और केसेस सामने आए हैं इसमें जो सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने आती है वो बेसिकली आती है एम्स के एक नेफ्रोलॉजिस्ट है संदीप महाजन इन्होंने कहा कि अर्लियर केसेस इन्वॉल्व ऑर्गन फ्रॉम नॉन ह्यूम प्राइमेट सच एज चिंपैन एंड बबून्स जिसमें से काफी कम सक्सेसफुल हमें यहां पे देखने को मिले हैं अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्ली में, टेन में इवन नाइनटीन में हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम बबून तो हमें देखने को मिला है बट नाउ पिग्स आर द इजीएस्ट एनिमल्स टू ट्रांसप्लांट फ्रॉम दे आर क्लोजेस्ट टू अस एंड दे आर मोर अबेंडेंट देन प्राइमेट्स ये वाली कहानी बताई गई है डॉक्टर महाजन के द्वारा नाउ इस पर्टिकुलर प्रोसीजर की अगर बात करें जो यूएस में हमें देखने को मिला है इसको लेकर एनवाई यू के डॉक्टर्स एनवाई की टीम काफी ज्यादा यहां पर खुश है काफी ज्यादा इनका मानना है कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग बिग डील बिकॉज ऐसा हमें अभी तक देखने को नहीं मिला था सवाल यह आता है कि इन्होंने इस चीज को किया किस तरीके देखिए मैंने आपको बताया था कि काफी बड़ी इसमें जो मॉडिफिकेशन थी वो ये थी कि जो डोनर था जो डोनर पिग था बेसिकली उसकी जेनेटिक ऑल्ट्रेशन करी गई थी अगर आप उसकी जेनेटिक ऑल्ट्रेशन नहीं करते हैं उस केस में जो पिग की किडनी है ह्यूमन की बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आप उसकी ऑल्ट्रेशन करते हैं केवल उसी केस में जाके जो आपका पिग जो आपका रेसिपेंट है वो उसको एक्सेप्ट करता है द बेसिक बैरियर

साइंटिस्ट ने यहां पर पिग के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन इस तरीके से करी कि आगे जाकर वो गैल सिस्टम की कोडिंग को नहीं करेगा जिसकी वजह से आगे जाकर वो शुगर प्रोड्यूसिंग जीन जो है वो नहीं बनाएगा जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग के अंदर जाकर के वो वाली आपकी जो जीन है या वो वाला आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करेगा दिस इज अक एक्सपेरिमेंट इन द सेंस दैट दे हैव ट्रांसप्लांटेड द होल ऑर्गन इन टू ह्यूमन दे कैप्टिम फॉर थ्री डेज वेयर इन दर्गन वॉज नॉट रिजेक्टेड तो ये काफी एक यूनिक काफी एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला है यह तो बात रही उस न्यूयॉर्क वाले एक्सपेरिमेंट की जो कि सक्सेसफुल था अब बात कर लेते हैं एक अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट की और ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी बेसिकली आज से लगभग 20 बाईस साल पहले की बात है एक डॉक्टर थे जिनका नाम है डॉक्टर धनीराम बरुआ ये आसाम से सर्जन थे और इन्होंने हांगकांग के एक सर्जन डॉक्टर जोनाथन गो काई शिंग के साथ मिलकर के पिग टू ह्यूमन हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट किया था गुवाहाटी के अंदर लेकिन ये ट्रांसप्लांट करने के बाद इनको यहां पर जेल जाना पड़ा बिकॉज उस पेशेंट की मृत्यु हो गई थी अ वीक आफ्टर द ट्रांसप्लांट प्रोसीजर द पेशेंट डाइड ऑफ मल्टीपल इन्फेक्शन विच लेड टू बरुआ बींग डिटेन फॉर फोर्टी डेज फॉर वायलेटिंग ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉज इन इंडिया इनफैक्ट इस पर्टिकुलर चीज के चलते यहां पर आ, क्या हुआ था कि इन का जो करियर है वो भी काफी हद तक खराब हो चुका था दो डेकेड्स के बाद डिस्टर्ब ड्यू टू नंबर ऑफ द कोर्ट और आज की डेट में ये बेसिकली डॉक्टरी का काम छोड़कर रिसर्च का काम करते हैं डॉक्टर धनी हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर इन सोनापुर जो कि गुवाहाटी के ही पास लोकेटेड है इन्होंने बताया कि इनका जो प्रोसीजर था वो क्वाइट अलग था एज कम्पेयर टू द प्रोसीजर यूएस डॉक्टर्स अलग इसलिए था बिकॉज इन्होंने किसी प्रकार की कोई मॉडिफिकेशन पिग के अंदर नहीं करी थी इन्होंने साफ साफ बोला है आई डिड नॉट डू एनी जेनेटिक ऑल्टरेशन इन द पिग्स ऑर्गन एंड इंस्टेड केम अप विद एंटी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन थेरेपी विच वॉज गिवन टू दैट पिग ऑर्गन सो दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड बाई द ह्यूमन बॉडी इजिली लेकिन ऑब्वियसली वो काम यहां पे नहीं करी सो so, प्रोसीजर में जो सबसे बड़ा चेंज है वो यही है कि डोनर के अंदर जेनेटिक ऑल्ट्रेशन अगर आप करते हैं उस केस में आपका शायद जो रेसिपेंट है वो यहां पे इस चीज को रिजेक्ट नहीं करता है यही आपका डिफरेंस था एनवाई के इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में और इंडिया वाले एक्सपेरिमेंट में हम उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आगे जाके और सक्सेसफुल होते रहें और इंसानों की जो जो प्रॉब्लम्स हैं खास रूप से ट्रांसप्लांटेशन की दिक्कतें चल रही हैं वो इस चीज़ों की वजह से से रिजॉल्व हो फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी ये वाली सीरीज चल रही है इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें जिसमें कि हम लोग मॉडर्न इंडिया के, के डिस्कस कर रहे हैं इसके जो लिंक्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे इसके अलावा आने वाले रविवार के दिन कॉम्बैट में हिस्सा लेना नहीं भूलना यूजिंग रेफरल कोड ये वाले आपके लिए ऑफर्स भी लेकर आया है ध्यान रखिए अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं अनी यूपीएससी तो यहां पर आपको 10% के डिस्काउंट के साथ साथ और भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इंक्लूड्स मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी इसके अलावा ये वाले बैचेस आपके अवेलेबल करवा दिए जाएंगे मेरे द्वारा भी ये वाले कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवा दिए जाएंगे ऑन दैट नोट आई टेक यूर लीव थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टे टूट एंड स्टे सेफ